नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। आज हमारे साथ एक और कपल आए हैं, वो भी हमारे राज्य बिहार से ही है। आपने शायद उन्हें देखा होगा अगर आप टिकटॉक यूज कर रहे हो। अगर आपने नहीं भी देखा है आज देख लीजिए, बहुत ही प्यारे कपल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ कपल है। हेलो सचिन जी और हेलो मनीषा जी। हेलो, हाय। सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वार्म वेलकम टू जिया एंड शास्वत, और हमारे हम दोनों के तरफ से आपको खूब सारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू जी, आपको भी हमारे तरफ से। देख रहे हैं आप सबकी आंखों को एक कुछ मिजाज, एक न्यूज आप सब सभी के दिनों में दिन में आए और आप सब तो सबसे पहला जो सवाल है वो यह है कि आप सोशल मीडिया पर आए कैसे। सबसे पहले बताइए सोशल मीडिया में कौन सा प्लेटफॉर्म था जो आपने इस्तेमाल किया, फेसबुक है या इंस्टा है या टिकटॉक है, जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले आप सभी को। ओके, तुम बताओ कैसे हम लोग यहाँ तक आ गए। पहले तो हमने टिकटॉक सुना है। अच्छा, पहले हम लोग शादी हुई, सबसे पहले। हाँ जी, पहले हम लोग की शादी हुई, फिर थोड़ी बर्बादी तो हुई, फिर उसके बाद से क्या हुआ गाइस। एक्चुअली मैं जनरली, मेरा स्कूल और कोचिंग है, लाइक बीइंग अ स्कूल डायरेक्टर, मैं कोचिंग लेता हूँ बच्चों की 11th, 10th तो फिर बच्चों ने बोला सर आप टिकटॉक एक बार देखिए, वो बहुत अच्छी है। मैं बोला तुम लोग स्टूडेंट हो, टिकटॉक चलाते हो, यही सब कर रहे हो। फिर एक बच्ची कहती है नहीं सर आप टिकटॉक एक बार डाउनलोड तो कीजिए। मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर मैं आया देखा तो मैडम लाइक पे वीडियो बनाती थी, लाइक एक ऐप था। अच्छा। फिर मैं बोला तुम इसको पब्लिकली पोस्ट क्यों नहीं करती हो, प्राइवेट करके रखती। तो कहती है नहीं सब लोग क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो मुझे बोली नहीं की फिर सब लोग देख लेगा, पहले मतलब शादी के पहले बहुत पहले करती। अच्छा। फिर उसके बाद छोड़ दी थी बीच में, फिर अभी बोली शादी के डर से होता है ना कि भाई पब्लिकली पोस्ट नहीं करें। तो फिर बाद में मैंने बोला यार तुम्हारी अपनी लाइफ है, यू हैव टू बी फ्री, और लाइक लड़कियों को भी फ्री रहना चाहिए, हक है तुम लोगों का, वरना जिया भाभी तो है बाल लोच देंगे वैसी। जिया भाभी बाल जैसे ऑफिस लोच देती है, ये भी लोच देगी मेरे फिर। भाई तुम भी फ्री रहो, तुम भी फ्री रहो, आराम से वीडियो पोस्ट करो, और साथ में अगर मेरी जरूरत हो मैं भी कोऑपरेट करूंगा। तो फिर क्या हुआ ना, टिकटॉक पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, मैंने टिकटॉक पे इनके साथ वीडियो बनाया, और एक वीडियो मैं डालकर कोचिंग पढ़ाने चला गया। मैं देखा कोचिंग नोटिफिकेशन ऊपर से आए जा रहे हैं, ऊपर मैं पढ़ा रहा था, बीच में इधर आई मतलब फोन में टंग टंग मैसेज आ जा रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। फिर रात को पहुंचते पहुंचते जिसके बेचारे गरीब की शक्ल के 100 फॉलोअर थे, शाम को होते होते वो लगभग 1000-2000 फॉलोअर हमारे हो गए। अच्छा। अगले दिन सुबह में जब हुए लगभग 1,00,000 फॉलोअर हो गए, मतलब हमारी एक रात में ऑलमोस्ट कह सकते हैं है ना, एक रात में ऑलमोस्ट 1,00,000 के आसपास लोगों का सारा ये चीज पहुंच गया धीरे धीरे, एक या दो रात में। हां जी, हां जी। तो मतलब हम लोग वैसे इतना सामना कि हम लोग देखते भी नहीं थे उसको यार क्या होगा कुछ नहीं होगा, वैसे 100 फॉलोअर तो है और कोई लाइक करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब अगली बार मैंने टिकटॉक खोला तो आई वाज इन शॉक यार व्हाट हैज हैपेंड। फिर उसके बाद से टिकटॉक पे करते गए और आई थिंक 17 या 16 मार्च ऐसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था टिकटॉक अब एग्जैक्टली आज, लेकिन अप्रैल मई और जून या जुलाई में बंद हो गया टिकटॉक। फिर यूट्यूब पे तो हम यूट्यूब पर मेरी एजुकेशन चैनल थी उसके लगभग 4,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। हाँ जी। फिर मैंने कुछ बोला कि चलो इस चैनल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 4,000 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद 4,000 आवर नहीं हो सकते। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने बोला कि चलो भाई तुम लोग यहीं पे आओ, और सारे वो फॉलोअर्स वगैरह भी परेशान हुए थे कहाँ देखे, तो मैं उन फैमिली को फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हो कि वो एक परिवार का एक बिल्कुल अंग हो जाते हैं। तो फिर उन सब से थोड़ा अलग होकर के थोड़े पे मायूसी तो थी, टिकटॉक को बंद होने की खुशी भी थी एक तरह से, क्योंकि चलो आफ्टर ऑल उसके वजह से यूट्यूब पे हम लोग बहुत अच्छा ये भी मिला। तो क्या आपका पहले कभी प्लान था कि सोशल मीडिया पर इस तरह से आना है, वीडियो हम पब्लिश करेंगे, कंटेंट डालेंगे और लोग इतना सारा प्यार करेंगे? मैं तो पहले जो मोबाइल छूटा था उसको घर देता था बढ़िया से। अच्छा। मैं मोबाइल नहीं छूना क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशन था, उसमें बच्चों को खास करके नहीं छूना था। हाँ जी। अब तो बता दो यार सारे सब्सक्राइब करते सारे यूट्यूब पे। तो मतलब ऐसे मतलब चाहता था कि जो भी लोग हैं फोन वगैरह से दूर ही रहे, घर में जो भी छोटे बच्चे वगैरह थे या फिर कजन वगैरह भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि यार अब तो पढ़ाई भी पूरी हो रहा है, सब कुछ ही हो रहा है, मैंने लगे चलो करो सब्सक्राइब, लॉकडाउन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इतना ज्यादा हम लोगों को प्यार करेंगे या फिर इतना ज्यादा सपोर्ट किया है अभी। अच्छा जी। लेकिन ऑल एट द एंड मनीषा बताएंगे कैसा लग रहा है। कभी सोच
अच्छा अच्छा है, आप लोग कम से कम बोल लेते हैं। वो मेरा क्या हुआ है, मेरा जो अपना भाषा है मैथिली, हम क्या हुआ, बचपन से 7 साल रहे नानी गांव में ही, तो हम मैथिली बोलते थे वहां पर। फिर जब वहां से शहर आए, मम्मी पापा वापस ले आए, तो भैया मैथिली ही बोलते थे, कहीं भी स्कूल भी भेज रहे मैथिली ही बोल रहे हैं, सब हिंदी में बोल रहे हैं, मैथिली में बोल रहे हैं। तो पापा मम्मी जो है डांट के मेरा आदत छुड़वा दिए, कहे कि तुम गलत भी बोलेगा तो तुम हिंदी ही बोलेगा, मैथिली नहीं बोलेगा। उसके बाद से जो है अब बोलते हैं कि सुनते रह जाओ। अब मैथिली को अभी हम बोलेंगे तो लगेगा मैथिली भाषा बदनाम हो रहा है, तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे वो। नहीं, ये एक्चुअली हो जाता मेरे साथ भी था भोजपुरी का, लेकिन पिछले 1-2 साल में मैंने सीखा है। मुझे खुद से थोड़ा सा लग रहा था ना यार, अपने घर अपनी जगह की भाषा ना आए और नॉनो लैंग्वेज तेलुगु उड़िया सब बोले जा रहा हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सा अंदर ठीक लगा कि नहीं यार भोजपुरी जिंदाबाद, उसको भी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जिया का दूध चढ़ा हुआ है, वो दूध एक बार जरा गैस बंद करके आ रही है। क्या कह जी, आपको बंद करने जा रही है? जहाँ बंद है वहीं काफी है। अभी तो सारे लॉकडाउन में बंद ही हो गए। हाँ जी हाँ जी, अब लेकिन जानते हैं अब लॉकडाउन में लग रहा है कि अब उबने लग गए हैं। थोड़ा सा हम धैर्य रखे थे कि नहीं अपने काम में व्यस्त रहो, क्या मतलब दुनियादारी से ये सब, लेकिन अब थोड़ा लगने लग गया है कि नहीं थोड़ा घूमना चाहिए बाहर। तो हम लोग चंडीगढ़ में थे ना, हाँ जी कर दिया। कभी सांसद भाई को बंद किया ही नहीं तुमने? हम ही को कर देते हैं, उसके बाहर भाग जाते होंगे बहुत बार। ये तो मेरे को बंद कर दी थी, वो भी बाथरूम में, रूम तो थोड़ा पास में। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही बंद, वीडियो भी डाला था मैंने। अच्छा, मतलब बचा माता रानी, मेरे को बाथरूम को बंद कर दिया, बाथरूम में 2 घंटा। क्या हो गया था ऐसा? अच्छा, ऐसा क्या समय आ गया था जो बंद करना पड़ा इनको? भाग जाते हो? अरे मैं बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये अपने रूम में थी, फिर मैं नीचे चला गया भाई के पास, इसको लगा मैं बाथरूम गया हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं भाई के पास गया, वो उसका लैपटॉप पे उसके चैनल पे बिल्कुल काम करना था, तो तभी लाइक मोनेटाइजेशन वगैरह सिस्टम हो गया, और उसके बाद मैं जब ऊपर आया तो मैं डायरेक्ट वॉशरूम चला गया, इसको बताया नहीं कि मैं वॉशरूम में नहीं था। अच्छा, फिर जब आई थी तेरी की सुना, अभी तक आपको वॉशरूम नहीं है, कुंडी मार दी और चली गई, मैं ठक ठक ठक। मैंने इनका फोन भी वहीं पे रख दी थी। अच्छा, तो ये बोला है सीरी, इनका ना एप्पल का फोन है, तो क्या है सीरी, मैं अपने फोन में बोलता हूँ ना है सीरी कॉल करता, तो वो कॉल कर देता है। तो उस दिन मैं जोर से चिल्ला रहा हूँ बाथरूम में, तो आवाज इको हो रहा है, और वो मेरा फोन बोल नहीं रही थी, मतलब उस दिन वो भी पागल हो गई थी सीरी। फिर उसके बाद से मैंने एकदम जोर से मारा, फिर भागे भागे आई एकदम की भाई चलो खोलना पड़ेगा, वहीं पे थी, लेकिन ठीक है। तो जब हम सोशल मीडिया की बात कर ही रहे थे, तो सोशल मीडिया पर हेट कमेंट का तो सामना किया ही होगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पर? कोई अगर नेगेटिव कमेंट करता है तो उसको क्या कहना, देखो उससे तो मैं मन ही मन में ये कहता हूँ, उसको पहले तसल्ली देता हूँ कि सचिन तुम बुरा मत कमेंट करो, वो अगर कर रहा है ना तुम अच्छा ही कमेंट करो, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको वही अल्फाज सिखाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें सही अल्फाज सिखाए हैं, तो तुम अपने अल्फाजों को दूसरे के अल्फाजों के लिए ना बोलो, तो उनको भी बोलो शुक्रिया, आपके शायद नेगेटिव कमेंट की वजह से शायद हमारे कमेंट पॉजिटिव भी आने लगे। और मैंने आप बिलीव नहीं करोगे साशु भाई, लगभग 6-7 कमेंटर जो होते हैं जो कमेंट करते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है वो नेगेटिव करते थे, अब वो लोग लाइक बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट। वाह, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए तो काफी अच्छा लगा। और अगर कुछ कुछ मतलब निहायती जो लोग होते हैं ना जो सुधर नहीं सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर बोलना चाहे ना तो जिनको मतलब कुछ नेगेटिव ही करना है माइंड में, यही है उनके उनके लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी में हताश निराश है, यहाँ पर आके कमेंट बॉक्स में फ्रस्ट्रेशन उतार देना है, वो मतलब वो अपने सारे फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को उतारते हैं कि यार ये मतलब इनका चैनल कैसे ग्रो कर रहा है, ये बिहारी कैसे उठ रहे हैं, और मतलब लाइक बिल्कुल उनकी मेंटेलिटी, तो उन लोगों को मैं क्या चाहता हूँ, उनकी कमेंट दोबारा देखना नहीं चाहता, साइड में 3 डॉट आता है टच। हाँ जी, इनके क्या हुआ था शुरुआत में ना, मुझे ये नेगेटिव कमेंट और डिसलाइक इसका असर पड़ता था कि यार मतलब वीडियो क्या अच्छी नहीं बना रहे हम लोग, जो इस तरह से कमेंट आ रहे हैं, इस तरह से डिसलाइक कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, वीडियो को हम प्रीमियर किए कि 6 घंटे बाद वो शेड्यूल हो जाएगा, फिर तो देखते हैं कि वीडियो के आने से पहले ही डिसलाइक लगभग 10-12 ठोकर चुके थे। भली ये बात अलग है कि उनका नंबर थोड़ा कम होता है, कम क्या बहुत कम होता है, स्कैन करके मिलते हैं वो सब दिखते हैं,
लेकिन फिर देखें कि अच्छा है, इनका मकसद ही है कि इनको डिसलाइक करना है, आपको गिराना है, करना है। मतलब एक बार आप तुम कंटेंट देख लो, कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तब अलग बात है कि हाँ खराब लगा। अरे भाई वीडियो अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, मतलब पब्लिश नहीं हुआ है, तुम पहले डिसलाइक मार के तैयार बैठे हुए। तो एक मोटिव ही होता है कि भाई चलो इनको डिसलाइक पर। और मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बोलना तो नहीं जी, उसमें तो कुछ चंद प्रतिशत हाँ हमारे जान पहचान वाले ही होते हैं। एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था, हमारे शब्द ऐसा लग रहा है आपने बोल दिया क्यों जानते हैं ऐसे शब्द बोले। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह का एक्सट्रीम वर्ड बोला उन्होंने। जैसे आप जानते हैं यूट्यूब चैनल हमारा पुराना डिलीट हो गया था, तो हमने जो यहाँ जो वीडियो डाला कि YouTube चैनल हमारा डिलीट हो गया, अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे कमेंट किया, अगर तुमने दोबारा YouTube चैनल स्टार्ट किया तो तुम्हारी बीवी के कोख में जो पहला बच्चा हो वो मर जाए, मैं बद्दुआ देता हूँ, शराब देता हूँ, इस लेवल का। तो ये सब कौन बोल सकता है, कोई आस पास के ही बोलेंगे ना इस तरह के। कोई बात नहीं, उनके माँ बाप ने उनको वही सिखाया, भाई वाहेगुरु करे उनको एक दिन सबक मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को किसी के प्रति कोई अपने मन में छल नहीं रखता। हाँ जी, हाँ हम जी, लोग साठा यारी है, चंगा तारी है, देखेंगे दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी सासुर भाई अपने कान बिल्कुल बंद कर रखे हैं, जो भी नेगेटिव बोलता है ना मैं उनको बोलता हूँ भाई सुन दफा होकर। हाँ जी, आई कीप अ ब्लडी हेल डैम टू ऑल ऑफ देम डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट अस। लेकिन माइंड में अपने आप को पता होना चाहिए कि नहीं यार हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। क्या हो गया यार, सब किसी का दिल होता है, सबका हक होता है, सबको ठीक है भाई हमारा, आपको अच्छा नहीं लगता कैमरा पे आना, किसी को अच्छा लगता है कैमरा नहीं है, जिस कमेंट आता है ना तो उसमें बहुत सारे फैंस तो कैसे लो हां हां जैसे कमेंट करते हो ठीक है, कोई मेरे कमेंट कर देता ना मेरे पे बिल्कुल उस पे ऐसा मतलब पता ही जहर मेरे फॉलोअर्स और मेरे फैमिली वाले लोग। हां जी, इतना उसको इतना मेरे कमेंट करने के पहले उसको 15 रिप्लाई आ रहा था, उससे वो अगला बंदा खुद ही उतर बात क्या है कि जैसे मेरा काम ही है ये डिजिटल मार्केटिंग, उसमें से भी मेरा जो फील्ड है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो सारे क्लाइंट का पेज देखते थे, वहाँ ये सब झेले हैं। अब हम पॉलिटिकल क्लाइंट भी देखे हैं, सबसे ज़्यादा जो काम किए हैं पॉलिटिकल पार्टी का काम किए हुए हैं, तो वहाँ तो और कितने तरह के कमेंट आते होंगे, किस लेवल के तो सोच सकते हैं आप। तो लेकिन वो कमेंट क्या होता था, मेरे क्लाइंट के लिए नेगेटिव कमेंट होता था। अब क्या है कि ये हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट हो जाता है, तो ये थोड़ा एडजस्ट करने में अब तो हो चुका है ये सब। अब मतलब नहीं कहते हैं ढीठ हो गए हैं ये सब, हो गए ये सब, आए इग्नोर कर दो। पहले इनको लगता था पता नहीं कौन क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर बाकी हम लोग तो क्या ही। जी जी बिल्कुल, मैंने तो देखा एक पर एक कंटेंट क्रिएटर, इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो। इवन मैंने देखा फ्लाइंग बेस्ट कितना अच्छा, हम तो इतने इस बात पर तो एग्री करेंगे कि हम सभी से कई फार बेटर है उनका, उन पर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो लोग डिसलाइक कर देते हैं, तो फिर हम लोग क्या है। तो गाइस हमारे चैनल बने रहिएगा और इनके चैनल को भी देखो, बने रहिएगा। एक चीज के जो आपके जो फैन है, हम सच में फैन है, लिटरली करे फैन सब यूज कर रहे हैं, आप एक दिन में 2-3 ब्लॉग डाल देते हैं, हमें एक हफ्ते में एक ब्लॉग डालने में सोचना पड़ जाता है कि कैसे करें हम। वो भी मैं इनके पीछे पड़ी और ये पीछे पड़ी रहती है एकदम, मेरा खाना पीना सब हराम कर देती है, तब चल कर हम कहते हैं चलो एडिट कर देते हैं अब। तो ये कैसे कर पाते हैं आप, ये पहले नंबर की आप या भाभी गुरु दो चार बार डाटा करो। अच्छा, सुबह डाटा करो, दोपहर को डाटा करो, शाम को डाटा करो, अगले दिन आप टेंशन ना जाओगे। हाँ जी, ये मेरे को जैसे डांट दिया उल्टा डाटा करो, क्योंकि इधर का मतलब उसे पूरा हो जाएगा। अच्छा हाँ, नहीं, तो नहीं डांट पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग सुबह उठते हैं ऑलमोस्ट ये 5:30 में उठ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और चाहे आप मानो अशोक भाई या मत मानो, सुबह उठना ना जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम होता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम करते हैं जी। उठ करके बेड सीधा करते हैं दूसरी का, हाँ जी। और जब इन चीजों करते हैं ना तो एक अंदर से एनर्जी आ जाती है, ये तैयार हो जाती है, नहा धो करके पूजा पाठ कर लेना है, मेरे को फिर उठ जाना है, मेरे को जबरदस्ती मैं ब्रश तक नहीं किया, पहला ब्लॉग मैंने डाल दिया। ओहो, तो फिर मैंने क्या किया, हम बोलते चलो सुना ब्लॉग शूट करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या शूट करना है, कुछ भी नहीं आज बस ऐसे नॉर्मली हम शूट करेंगे, कुछ बातें करते हैं और फैन फॉलोइंग को भी कुछ चीजें दिखाते हैं जो लोगों ने, तो पीछे गार्डन में चले गए, फिर ये प्लांट्स वगैरह कुछ लगाई है वो दिखा देती है, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, और हम लोग बात करते करते फैन बस उस चीज को इतना ट्राई करते हैं, उस चीज को इतना अच्छा लगता है कि नहीं, आप कुछ भी डालो बस डालो। हाँ जी, तो मैं देखता हूँ ना कि यार इन लोगों को कुछ भी देना है, मैं इनको बोलता भी हूँ यार हम लोग का ब्लॉग नहीं बनाया है कल सुबह 8 बजे क्या, क्योंकि 8 बजे मैंने एक टाइम रखा हुआ है 8 बजे ब्लॉग डालना है, 8 बजे क्या ब्लॉग डालेंगे हम लोग, कहती है कोई बात नहीं रात को हम लोग बस शूट कर लेंगे, कुछ रात को बैठते हैं हम लोग कुछ आपस में बातचीत करके शूट करते हैं, और 8 बजे के लिए कंटेंट एनी हाउ ट्राई करते हैं कि 99% प्रिपेयर हो जाता है, बेशक कल का कंटेंट आज अभी देखो कि सामने आपके मैंने लैपटॉप पे प्रिपेयर कर लिया, फिर मोरा में कुछ एडिटिंग चली रहा है,
तो और कल की जो मेरी ब्लॉग आएगी ना वो रिकॉर्ड टूर वीडियो है, कल वाली वो ब्लॉग नहीं है, अच्छा शादी की वीडियो है। ओहो तो सही है जी, हम भी देखेंगे तो, जरूर इंतजार करेंगे उसका। अच्छा मतलब लोगों को उसमें हम क्या करेंगे ना, बहुत सारा एडिटिंग करने लग जाते हैं, ये कट करना है, ये लगाना है, ये कट करना है, ये लगाना है। उससे क्या होता है ना, हम लोग जो डाउन टू अर्थ या फिर हम लोग जो जेन्युइन चीजों को दिखाना चाहते हैं वो कट जाता है, और जो हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक देखे वो ज्यादा दिखता है। तो उसको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड शो काइंड का हो जा रहा है, धीरे धीरे जनरल नॉर्मल नहीं होता। तो इसके कारण आपके वॉच टाइम पर असर नहीं पड़ रहा है? जैसे देखिए हम क्यों नहीं डाल पाते हैं उतना, हम चाहते हैं कि ऑडियंस को एक पल के लिए भी नहीं लगे कि बोर हो जाए मेरे व्लॉग में, तो इसलिए जो भी इरिलेवेंट पार्ट होता है उसको हम कट कर देते हैं। तो इसलिए मेरा एडिटिंग में लगभग मानिएगा नहीं 3-3.5 घंटा लग जाता है मेरे एडिटिंग में जब बैठते हैं हम। तो मेरा एक डेढ़ मैक्सिमम एक डेढ़। अच्छा हाँ, तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, तो अगर वॉच टाइम आपका गड़बड़ रहा तो YouTube आगे आपके वीडियो को रिकमेंडेशन में नहीं डालेगा। तो इसीलिए हम करते हैं कि वो जो इरिलेवेंट पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। तो ये आप पर असर नहीं पड़ रहा है? कभी आप देखे एनालिटिक्स अपना? मेरा वॉच टाइम आज मतलब आज का दिन जो था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मेरा मतलब जब से मैं YouTube शूट कर रहा हूँ ना करीब आज मतलब इस मंथ का सबसे बेकार था। हाँ जी, लेकिन सबसे बेस्ट चीज क्या था, अब के वॉच टाइम लगभग 1-1 मिनट बढ़ गए एवरेज वॉच टाइम। ओहो, सही। 4 मिनट आते थे आज 5.5 मिनट आ रहा है, 6 मिनट आ रहा है। जो अब मेरे 10,000 फॉलोअर्स देख रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक देख रहे हैं। हमें लग रहा है आपके ब्लॉग को देखने की आदत हो गई है सबको इस वजह से, नहीं? हाँ, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हम लोग ना अब कितने मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं सुबह का 8 बजे लाइक उठना और आपके सीरियल को देखना, वो सब वो चैनल नहीं बोलता हूँ, सीरियल जब चल रहा था तो सभी लोगों ने कनेक्शन बना लिया आपके उससे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। तो चलिए अच्छा है जी, कुछ सीखने को मिला, हम भी अब ट्राई करेंगे। करना नहीं चाहते, मैं इतना फोर्स करती हूँ तो फिर 2-3 दिन में, अब तो 6 दिन के बाद आज आया है हमारा व्लॉग। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से व्लॉग है, इसको हम लोग रेगुलर मेंटेन करना है। 2 दिन में आप एक वीडियो डाला करो, फिर रोज एक वीडियो, फिर रोज दो दो वीडियो डाला करो। चलिए जी, कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ जी, और सभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो, हाँ जी हाँ जी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो भी बार बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर डाला करो रेगुलर, लेकिन डाल ही नहीं पाते, कई बार चाहते भी है कि डाल पाए। वो हो जाता है अपना धीरे धीरे, पर मेरे से भी बहुत दिक्कत है ना, स्टार्टिंग एकदम परेशान हो जाते थे कि यार कैसे ब्लॉग बनाना है, ये तो टिकटॉक से भी बड़ा कठिन, मेरे को इतने मोटिवेट किया। देखो कितना सुनते हैं भाग, मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। कितना झूठ बोलती है, बिल्कुल भी नहीं सुनते लाइव। तो आपको टिकटॉक पर ज्यादा मजा आता था या यूट्यूब पर? यूट्यूब पर ज्यादा मजा आ रहा है। टिकटॉक पे स्पॉन्सर मतलब अगर फाइनेंशियली बात करें तो टिकटॉक पे स्पॉन्सर मिलते थे, यूट्यूब पे स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। टिकटॉक पे थोड़ी मोड़ी अर्निंग हो ही गई थी, यूट्यूब पे अभी एक सिक्का नहीं आया अभी। आपका तो मोनिटाइजेशन ऑन हो गया, हमने तो देखा आपके चैनल पर, आपका तो मोनिटाइजेशन सब तो शायद ऑन हो गया, बस पेमेंट आना बाकी है। देखो अभी 25-25 दे सकता है, पता नहीं। हाँ जी, हाँ हमारा तो आ गया पिछले चैनल का, तो काफी अच्छा लगा कि हाँ यूट्यूब की अर्निंग है, फर्स्ट अर्निंग है हमारी, तो स्क्रीन शॉट लेकर के रखा हुआ है उसका। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए जी, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और वीडियो एंड करने के बाद हम लोग पर्सनली बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो यह वीडियो देखा होगा आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, स्पेशली वो लोग जो सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, क्या क्या चीज आपको झेलना पड़ेगा और किस किस तरह का कंडीशन होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ। तो जी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मैं इनके चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इनका चैनल आपको मिल जाएगा वहां से, वहां से भी आप इनके चैनल पर चले जाइए, बहुत ही अच्छे कंटेंट डालते हैं, बहुत मजा आएगा आपको इनका वीडियो देखने पर। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, बाय, वीडियो बंद कीजिए उधर का, ओके जी।